मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स होता क्या है? कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना ऑफ नंबर्स। नंबर्स मतलब होता है संख्या, संख्याओं की तुलना। तो आज हम जो करेंगे, तुलना करेंगे, वो साइन से करेंगे बच्चों। ये साइन मीन्स होता है चिन्ह, इन चिन्हों द्वारा करेंगे। तो ये जो होता है बच्चों, ये स्मॉलर दैन का, ग्रेटर दैन का और इक्वल का साइन होता है, ठीक है? तो हमेशा याद रखना, ये जो साइन होता है ये ग्रेटर देन का होता है। किसका साइन होता है? ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन। और ये जो साइन होता है ये होता है स्मॉलर देन, स्मॉलर देन। बच्चों, जो जिस तरफ कोई मुंह खुला हुआ होता है और जिस तरफ कोई बंद होता है, ये हमेशा बड़ी संख्या की तरफ खुला हुआ होता है और ये छोटी संख्या की तरफ से बंद होता है। तो हम इसे पढ़ेंगे ग्रेटर देन, इस साइन को हम पढ़ेंगे स्मॉलर देन, और इसको पढ़ेंगे हम इक्वल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इक्वल, इक्वल टू, ठीक है? ये होता है ग्रेटर देन, ये होता है स्मॉलर देन, और इसको पढ़ेंगे इक्वल टू। अब हम ये वाले सम्स करेंगे। तो इसमें हम ये देखिए 17 और 12, ये कुछ प्रॉब्लम से इनको सॉल्व करेंगे, 17 और 12। तो बच्चों 17 बड़ा है और 12 छोटा है। तो 17 बड़ा, तो इसमें कौन से साइन का यूज़ होगा? इस साइन का यूज़ होगा। मैंने अभी आपको बताया था, जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ को हमेशा इस साइन का मुंह खुला हुआ होता है और छोटी वाली संख्या की तरफ को मुंह बंद होता है। अब हम इसको पढ़ेंगे 17 इज ग्रेटर देन, 17 इज ग्रेटर देन 12। तो अब हम इसे पढ़ेंगे 17 इज ग्रेटर देन 12, 17 12 से बड़ा है, मतलब 17 12 से 12 से बड़ा है। हिंदी में हम इसे पढ़ेंगे 17 12 से बड़ा है, इंग्लिश में पढ़ेंगे 17 इज ग्रेटर देन 12, 17 12 से बड़ा है। नेक्स्ट है 20 और 19। बच्चों 20 19 से बड़ा होता है, तो अब इसमें हम कौन से साइन का यूज करेंगे? इस वाले साइन का यूज करेंगे, ग्रेटर देन का। तो अब हम इसे क्या पढ़ेंगे? 20 इज ग्रेटर देन 19। तो अब इसे हम क्या पढ़ेंगे? 20 इज ग्रेटर देन, 20 इज ग्रेटर देन 19। तो अब हम इसे क्या पढ़ेंगे? 20 19 से बड़ा है। अब हम इसे पढ़ेंगे 20 इज ग्रेटर देन 19, मतलब 20 19 से बड़ा है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो बड़ी संख्या होती है उसकी तरफ को ये साइन का मुंह खुला हुआ होता है। नेक्स्ट है 15 और 18। तो बच्चों 15 18 से छोटा होता है, तो अब हम इसमें कौन सा साइन लगाएंगे? ये वाला साइन लगाएंगे, ये वाला। तो इसे क्या कहते हैं? स्मॉलर देन। 15 इज स्मॉलर देन 18, मतलब 15 18 से छोटा है। तो हम इसे पढ़ेंगे 15 इज स्मॉलर देन, स्मॉलर देन 18। तो इसे हम पढ़ेंगे 15 इज स्मॉलर देन 18, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? 15 18 से छोटा है, 15 18 से छोटा है। नेक्स्ट है 12 12। बच्चों 12 12 इक्वल है, इक्वल साइन का यूज करेंगे, 12 इक्वल टू 12। तो हम इसे लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 12, 12 12 के बराबर है, 12 12 के बराबर है। अब है 20 और 24। बच्चों 20 24 से छोटा है, तो हम इसे पढ़ेंगे
इसमें कौन से साइन का यूज होगा? इसमें स्मॉलर देन का यूज होगा, स्मॉलर देन। तो देखो बच्चों, छोटी संख्या की तरफ मुंह बंद है। अब इसे हम पढ़ेंगे, 20 इज स्मॉलर, 20 इज स्मॉलर देन 24। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, 20 इज स्मॉलर देन 24, मतलब 20 24 से छोटा है। अब ये 69 40 से बड़ा होता है। इसमें हम कौन से साइन का यूज करेंगे, ग्रेटर देन का। कौन से साइन का यूज करेंगे, ग्रेटर देन का। अब हम इसे क्या पढ़ेंगे, 69 इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 40। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, 69 इज ग्रेटर देन 40, 69 40 से बड़ा है। नेक्स्ट 9 और 12, तो 9 12 से छोटा है, तो हम इसे लिखेंगे 9 इज स्मॉलर देन 12। इसे हम पढ़ेंगे 9 12 से छोटा है, 20 12। बच्चों 20 और 12, तो 20 बड़ा है, तो इसमें कौन से साइन का यूज किया हमने, ग्रेटर देन का। अब हम इसे लिखेंगे 20 इज ग्रेटर देन 12। अब हम इसे पढ़ेंगे 20 12 से बड़ा है, 20 इज ग्रेटर देन 12, 20 12 से बड़ा है। इस तरीके से आप इन साइन का यूज करेंगे। थैंक यू।